नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको एक और बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ अगर हम कॉमर्स साइंस और आर्ट्स के अलावा अगर हम बात करें कुछ पढ़ाई करने की, तो क्या सिर्फ और सिर्फ BSc इन एनिमेशन है या VFX है, सिर्फ यही पढ़ सकते हैं, क्या हम और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको किसने कह दिया कि आप नहीं पढ़ सकते हो? देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है सीखने को कि वो एनिमेशन और VFX ही करे। ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत सारी कोर्सेज है यार। ये कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इसके अलावा भी बहुत सारी कोर्सेज है जहाँ पे अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट्स है या फिर मिडिल क्लास का बच्चा है वो भी अच्छा खासा पोजीशन पे रेपुटेशन वाले जॉब कर सकता है। देखो, हर कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरी तो नहीं कर सकता या BSc इन एनिमेशन भी नहीं कर सकता भाई साहब, 4 लाख 4.5 लाख रुपए इसमें लग जाते हैं। लेकिन आप चाहते हो, आप हो क्रिएटिव और आप चाहते हो कि इस फील्ड में अपना करियर बनाए, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सूरत में, सूरत आप सभी को पता है कि सूरत एक टेक्सटाइल हब है, यहाँ पे टेक्सटाइल और डायमंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सूरत में ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं जो लोग एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन सिखाती हैं, जो एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़े पे उसकी डिज़ाइन सिखाते हैं, और उसको डिज़ाइन सिखाने में तकरीबन 8 से 10 हज़ार या मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा ज़्यादा खर्चे होंगे, और उसके बाद आपको 30 से 35 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी। और क्या चाहिए आप? सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत सारे पढ़ाई अवेलेबल है जिसमें आप अपना पैशन को फॉलो करके अपना करियर बना सकते हो। बहुत लोग हैं, और ऐसी टेक्सटाइल की हब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सूरत है, ऐसे बहुत सारे जगह पे है जहाँ पे इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। डायमंड में बहुत लोग काम करते हैं जो डिज़ाइनर है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हो। ऐसे कई सारे छोटे मोटे कोर्सेज हैं जिसमें 4 महीना 6 महीना सीखने के बाद भी एक अच्छा खासा करियर बनाया जा सकता है। हाँ, अगर आप इसमें एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डिग्री, मास्टरेट वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, जिनके पास इतना सक्षम नहीं है लेकिन वो है क्रिएटिव, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आगे चल के आप खुद इस काबिल हो जाओगे कि आप अच्छा खासा आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने आप को एबल कर लोगे, ठीक है? तो आप एम्ब्रॉयडरी डिजाइन सीख सकते हैं और सीखने के बाद आपको आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में रखते इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो फिर दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।